और ऐसे ऐसे सिलेबस दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चंस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास पे, ठीक है। यूपी का जो हिस्ट्री है, जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि उत्तर प्रदेश स्पेशल जो फिफ्थ और सिक्स पेपर जो आया हुआ है, इसके सिलेबस पे पूरा हम लोगों ने चर्चा किया था, डिस्कशन किया था उसके सिलेबस पे। और उस सिलेबस के में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, उस टॉपिक्स के को लेते हुए जो है हम लोग इसको जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूपी के हिस्ट्री को जानना जरूरी है कि आखिर यूपी का हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, एंसेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, मेडावल में क्या इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न में क्या इंपॉर्टेंट है, उन सभी को लेकर हम लोग चलेंगे। तो आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो है प्राचीन इतिहास के बारे में, एंसेंट के बारे में, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर गौतम बुद्ध, आपने देखा होगा गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश भी सारनाथ में दिया, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया, और इसके साथ साथ जो है उनका महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनारा मल्लों की राजधानी हुई, काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बौद्ध सर्किट की बात भी की जा रही है कि गौतम बुद्ध से जुड़े जितने भी स्थान है सभी को कनेक्ट करने की बात की जा रही है, टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास पे जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है प्राचीन इतिहास? उत्तर प्रदेश का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी उसकी मानव सभ्यता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास भी हम सबको जानना चाहिए। प्राचीन काल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे मध्य देश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। प्राचीन काल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था मध्य देश के नाम से जाना जाता था। किसे? उत्तर प्रदेश को। ये तो प्रदेश का नामकरण बाद में हुआ है, पहले तो सब कुछ वही था। तो इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे मध्य देश के नाम से जाना जाता था। इसके साथ साथ विभिन्न स्थलों पर जो उत्खनन हुए और उत्खनन से जो अनेक अवशेष मिले, इस अवशेषों के आधार पर इस क्षेत्र की प्राचीनता का पर्चा चलता है। यानी कि जब हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए या जो उत्खनन हुए, वहां से जो चीजें हमें प्राप्त हुई, उसके आधार पर जो है हम इसके बारे में बात करते हैं। और इस महत्वपूर्ण अवशेषों से ही इस क्षेत्र की क्या चलता है? प्राचीनता का पता चलता है कि भाई ये क्षेत्र जो है कितना प्राचीन है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा इसको मध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसके साथ साथ प्राचीन काल के इतिहास को हम तीन खंडों में बांट सकते हैं। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदितिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल जैसे मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व के जो काल को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम बात करें अगर आदितिहासिक काल को, तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो है जो काल है उसको कहते हैं हम आदितिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें 600 ईसा पूर्व से आगे के जो काल है उसे हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो मैंने शुरुआत में कहा कि चूंकि इसे मध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, और जैसे जैसे उत्खनन होते गए वैसे वैसे जो अवशेष मिले वो प्राचीनता देखने को मिली, और उसी के आधार पर जो है जो मैंने कहा कि इस क्षेत्र में जो है इसकी प्राचीनता का पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के उत्खनन हुए, उत्खनन से बहुत सारे अवशेष मिले, चीजें पता चली कि भाई उत्तर प्रदेश में भी कोई चीजें हैं। इसके आधार पर जो है इसके बारे में हम लोगों ने बात किया, और इनको तीन भागों में बांटा जाता है। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो है हमारा आद ऐतिहासिक काल, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो मैंने कहा कि प्रागैतिहासिक काल वो काल है 3000 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा से 3000 पूर्व जो है वो प्रागैतिहासिक काल है। और इसके बाद 3000 से लेकर अगर देखा जाए 6000 ईसा पूर्व के काल को हम आदितिहासिक काल कहते हैं, और ऐतिहासिक काल की बात अगर करें तो 6000 ईसा पूर्व से जो आगे के काल है उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है, 600 ईसा से आगे। अगर हम बात करें इसमें, तो प्रागैतिहासिक काल में बेसिकली हुआ क्या था? प्रागैतिहासिक काल में अगर हम देखा जाए, जैसे नाम ही है प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि इसमें जो है हमारी जो पाषाण संस्कृति है, यानी कि पत्थरों की जो संस्कृतियों को रखा जाता है, जबकि आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है सिंधु घाटी और ऋग्वैदिक सभ्यता को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो हमने कहा कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, तो मैंने यहां पर यह कहा कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होगा, तो प्राग ऐतिहासिक काल में जो है हमारी जो है पाषाण संस्कृति को रखा जाता है। यानी कि पाषाण मतलब पत्थर वाली, जो पत्थरों की बात अभी कर रहे हैं, अभी कुछ सारी चीजों का नॉलेज नहीं है, अभी हम पाषाण संस्कृति की बात कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि मानव शुरुआत में क्या कर रहा था, शुरुआत में मानव ऐसे रहता था, पत्थर दिखाई दिया, उसको दोनों को लड़ाया, देखा चिंगारी उत्पन्न हो रही है, चिंगारी उत्पन्न हुई तो उसको पता चला अच्छा ये भी होता है।
तो इसीलिए मैंने कहा कि इस पाषाण संस्कृति को रखा जाता था, जबकि आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, इसके अंतर्गत सिंधु घाटी और ऋग्वैदिक सभ्यता को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मौर्य काल से हमें ऐतिहासिक काल की जो है शुरुआत होती है। ठीक है, इन तीन चीजों को आपको याद रखना है, शुरुआती दौर में प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया कि इनको तीन कालखंडों में बांटा गया है, एक आपका प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल है और तीसरा ऐतिहासिक काल है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण संस्कृति के बारे में डिस्कशन करते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में जैसे मैंने कहा कि इसके अंतर्गत जो है सिंधु घाटी जो है इसके साथ ही साथ जो है ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में हमको इसको सम्मिलित किया जाता है, और मौर्य काल से हमें जो है ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है इनकी 600 ईसा पूर्व से। तो इन तीन चीजों को सबसे पहले हमें एंशियंट में जो है एंशियंट हिस्ट्री में जो है इन तीन तीन को जो है हमने तीन पार्ट में इसको अलग अलग किया कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है और हमारा जो ऐतिहासिक काल क्या है। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत होती है, मौर्य काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, यानी कि इसके तीन भागों में विभाजित किया जाता है इसको भी, एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। यानी कि पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज के बारे में हम बात करेंगे, दूसरा है मध्य पाषाण काल जिसे हमें मेसोलिथिक एज के बारे में बात करेंगे, और तीसरा है नव पाषाण काल जिसे हम नियोलिथिक एज के बारे में बात करेंगे। जैसे नाम से ही हमें पता चलता है कि भाई क्या है आखिर ये, जो पाषाण काल की बात जो हम कर रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल की जो बात कर रहे हैं, जो हम पाषाण संस्कृतियों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, आखिर इसको कैसे हम इसको डिफाइन करें। इसको डिफाइन करने मतलब पूरा पाषाण काल इसमें है, इसमें मध्य पाषाण काल भी है और इसमें नव पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज की बात इसमें की जा रही है, मध्य पाषाण में यानी कि मेसोलिथिक एज के बारे में बात की जा रही है, और नव पाषाण काल में यानी कि नियोलिथिक एज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, और ये इन तीनों को जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड में बांटा गया है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए एंशियंट हिस्ट्री में आपसे यूपीपीसीएस के मेंस में क्वेश्चन 50 पेपर में पूछे कि आप बताइए कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताइए, उसके कालखंडों के बारे में बताइए, तो आप बता सकते हैं कि सर प्री हिस्टोरिक पीरियड में तीन भागों में इनको बांटा जाता है। पहला है कि पूरा पाषाण यानी कि पैलियोलिथिक एज है, दूसरा है मध्य पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक मेसोलिथिक एज है, और तीसरा है नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज है। इन तीनों के बारे में जो है हम इसके बारे में एक आगे चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप चीजों को एक एक करके क्रिस्टल क्लियर जो है इन चीजों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, पूरा पाषाण काल में, तो जब शुरुआत की बात हम करें तो मानव कैसा था भाई, शुरुआती दौर में मानव क्या था, आज की तरफ तो मानव था नहीं। जब शुरुआत होती है किसी चीज की, अभी जैसे हम लोगों ने यूपीपीसीएस से स्टार्ट किया, तो हम धीरे धीरे पहले सिलेबस पे बात किए, सिलेबस को हमने स्टार्ट किया और सिलेबस के बारे में हमने अकॉर्डिंग उसके चले, और हमने बात किया कि देखो 5th पेपर में ये है, 6th पेपर में ये है, और ऐसे ऐसे सिलेबस दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चंस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो इसमें क्या था कि पूरा पाषाण काल में मानव पूरी तरह क्या था, असभ्य था भाई, असभ्य होगा, शिक्षित नहीं होगा, बर्बर था और जंगली था, यानी कि उसे किसी प्रकार का नॉलेज नहीं था भाई। जब व्यक्ति क्या है, व्यक्ति एक कंप्यूटर की तरह है, जिस प्रकार के सॉफ्टवेयर डालोगे इंस्टॉल करोगे उस तरह से वो काम करेगा। ठीक है, और गांधी जी भी कहते थे हमेशा हृदय परिवर्तन की बात, वो तो हमेशा कहते थे ना कि व्यक्ति गलत नहीं होता है, व्यक्ति की विचारधाराएं गलत होती हैं। तो वही बात मैं यहां पर कर रहा हूं कि शुरुआती दौर में व्यक्ति कैसा था, जब पूरा पाषाण काल आया तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्या था, असभ्य था, उसे किसी चीज का नॉलेज नहीं था। ठीक है, बर्बर था, सभ्य नहीं था वो, और जंगली था, घुमकड़ी जीवन जी रहा था, उसे कुछ चीजों का पता नहीं है, कुछ आज की तरह थोड़े था, सिस्टमेटिक वे थोड़े था कि भाई स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना। शुरुआती दौर की बात इसमें कर रहा है कि पूरी तरह बर्बर था, सभ्य था, वो नदी के किनारे अथवा गुफाओं में रहता था भाई। रहने के लिए ऐसा तो था नहीं कि मकान है कहीं किसी का, आज आप कहते हो कि ये जमीन मेरी है, इस जमीन पे जो मेरा घर है वो मेरा है, लेकिन उस समय जब सब कुछ अपना है, पूरी प्रकृति अपनी है, तो फिर किस बात का घर अपना, गुफाओं में रह रहा है, जहां मन को जो मिले वो खा रहा है वो। तो पूरा पाषाण काल की बात हम शुरुआत में कर रहे हैं, और क्या करता था, जब गुफाओं में रहेगा, जंगलों में रहेगा, तो जंगलों में क्या मिलेगा, जानवर मिलेंगे, तो जानवरों को क्या करेगा, शिकार करेगा, तो क्या करता था, शिकार करके भोजन संग्रहण करता था। बात की तरह तो है नहीं कि गैस पे खाना बनाए और चालू हो गए, जो मन करे वो बना लिया, खा लिया। तो जब जंगली जीवन जीना है, बर्बर जीवन जीना है, जंगल में रहना है, किसी से कोई ज्ञान हमें है नहीं, जहां मिल गया वहां सो गए हम, जो जानवरों से हम रोज मुलाकात जानवरों से हो रही है, तो दिमाग भी जानवरों जैसा हमारा हो जाएगा, और इसके साथ साथ क्या करेंगे, हम उनको मारेंगे, वो हमको मारेगा, हम उनको मारेंगे, दोनों में से कोई एक दूसरे को मारेगा ही, तो क्या होगा, शिकार होगा, शिकार होगा तो क्या मिलेगा,
या तो हमको उसका भोजन मिलेगा या उसको हमको हमारा भोजन मिलेगा, ठीक है। तो वो संग्रहण करता था। इस युग के अनेक महत्वपूर्ण स्थल जो है उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, चूंकि हम उत्तर प्रदेश का ही इसमें पढ़ रहे हैं, और जिनमें से भारत के जो प्रारंभिक अगर हम बात करें स्टार्टिंग इतिहास का पता चलता है, और इन पूरा पाषाणकालीन स्थलों में प्रमुख नाम है जैसे बेलन घाटी, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपके पेपर में जो है बेलन घाटी से भी प्रश्न बन सकता है कि भाई बेलन घाटी आखिर वहां पर क्या पाया गया, वहां पे ऐसी क्या चीजें हैं जो पाई गई है बेलन घाटी में। और जैसे मैंने कहा कि पूरा पाषाण काल की चूंकि यहाँ पर बात आ रही है, तो पूरा पाषाण काल में व्यक्ति कैसा था, असभ्य था, बर्बर था, ठीक है, किसी पर कोई नॉलेज नहीं था उसके पास, जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, जानवरों का शिकार करता था, उसको मार के खाता था, तो आदमी क्या करेगा, उस शुरुआत में ही था। और जैसे मैंने कहा कि इस युग में बाद में क्या हुआ, उत्खनन हुए, एक से एक इतिहासकार आए, उन्होंने उत्खनन किया, चीज जगहों की पहचान किया उन्होंने। और जैसे मैंने कहा कि प्रारंभिक इतिहास का इससे पता चलता है, जो प्रमुख नाम है वो है बेलन घाटी। क्योंकि बेलन घाटी की अगर हम बात करें तो बेलन घाटी जो है दुनिया के उन प्राचीनतम स्थलों में से एक है जहां मानव का प्रथम बसाव हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मानव सबसे पहले यहीं आकर बसा था। उत्खनन हुआ तो बाद में ये चीजें पता चली कि वहां पर कि ये जो है यहां पर मानव सबसे पहले रहने आया था, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि इस चीजों को भी हमको अच्छे से पता चलना चाहिए कि ये बेलन घाटी क्या है। वहां पर ऐसा पता चला कि मानव वहां पर क्या करता था, वहां पर मानव का बसाव था, ठीक है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से जानना है कि इस युग में जो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो प्राप्त हुए हैं, उत्खनन हुआ, तो सबसे पहले एक प्रमुख नाम आता है जिसका नाम है बेलन घाटी, और यह दुनिया के उन प्राचीनतम स्थलों में से है जहां मानव का प्रथम बार क्या हुआ, बसाव हुआ। क्योंकि उसके पहले व्यक्ति क्या था, घूम रहा है घुमकड़ी जीवन, जंगलों में घूम रहा है, जंगल जानवरों से लड़ रहा है, उसको हम मार रहे हैं, हमको वो मार रहा है, दोनों में से एक दूसरे को तो किसी को भोजन मिल ही रहा है। इसके बाद विभेदन घाटी पुरास्थल की खोज एवं उत्खनन कार्य का श्रेय जो जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो है पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जो थे जिनका नाम है जी आर शर्मा को जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ पुरापाषाणकालीन अवशेष सोनभद्र, चूंकि उत्तर प्रदेश में एक जगह है सोनभद्र, एक जिला है सोनभद्र, अगर आप दक्षिण में देखेंगे उत्तर प्रदेश के तो आपको एक जिला मिलेगा सोनभद्र, और सोनभद्र वो जिला है जो मैं बार बार कहता हूं वो चार राज्यों से सटा हुआ है, ये पीटी में पूछता भी है। सोनभद्र के अगर आप देखेंगे चार राज्य कौन कौन से हैं, तो एक राज्य आपका पड़ता है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, ठीक है, एक और राज्य है जिसका नाम है बिहार, और एक और राज्य है जिसका नाम है झारखंड। चार राज्यों से सटा हुआ वो जो जिला है जिसका नाम है सोनभद्र, और ये चार राज्यों से सटा हुआ है, यानी कि अपना सीमा साझा करता है। तो पूरा पाषाणकालीन जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो सोनभद्र जिले से प्राप्त हुए हैं, सिंगरौली घाटी से प्राप्त हुए हैं, और इसके साथ साथ बराड़सी क्षेत्र के चकिया नामक स्थान से भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी हमको जो है अपने जो जब भी हम इसका आंसर लिखेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में जब हम बताएंगे तो इन चीजों के बारे में भी हम बताएंगे कि मानव का सबसे पहले बसाव बेलन घाटी में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे सर कि पूरा पाषाणकालीन जो अवशेष मिले हैं वो सोनभद्र से भी मिले हैं। आज तो हम नामकरण कर रहे हैं कि ये सोनभद्र है, वो मिर्जापुर है, वो सिंगरौली का क्षेत्र है, वो चकिया बनारस का क्षेत्र है, ठीक है, आज के हिसाब से तो सिंगरौली घाटी में हमें सोनभद्र में और इसके साथ साथ वाराणसी क्षेत्र के चकिया में भी जो है हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये हमने बात किया पूरा पाषाण काल में मानव के जीवन के बारे में, मानव के रहन सहन के बारे में हमने इसमें डिस्कशन किया। आगे बात करते हैं अगर हम उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल के, ठीक है, मेसोलिथिक की अगर हम बात करें तो प्रमुख स्थल जो है सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा और चौपानी मांडो है। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, और जब भी अगर आप यूपीएससी में भी पढ़ते हो तो ये सब नाम आप एंशियंट हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा कि जो सराय नाहर राय है या महादहा जो है या दमदमा है, ये चौपानी मांडो जो है ये काफी महत्वपूर्ण मध्य पाषाण काल के स्थल है, यहां पर भी जो है पाए गए हैं उत्खनन के बाद। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि सराय नाहर राय, महादहा, दमदमा, ये जो है ये तीनों के तीनों जो जगह है, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है प्रतापगढ़। नाम तो सुना होगा प्रतापगढ़ का सभी लोगों ने, कुंडा का नाम सुना होगा, प्रतापगढ़ का नाम तो सुनते ही होंगे। जनपद में ये तीनों के तीनों स्थित है, यानी कि कौन कौन, सराय नाहर राय जो है,
महादहा जो है और दमदमा, ये तीनों के तीनों क्या है, वो प्रतापगढ़ जनपद में ये तीनों के तीनों जो है स्थित है। इसके साथ ही साथ सराय नाहर राय और मद्दाह से अस्थाई झोपड़ियां रहने के साक्ष्य भी मिले हैं। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरा पाषाण काल के बारे में बताइए या मध्य पाषाण काल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बताइए, उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए कि मध्य पाषाण काल के कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि सर मध्य पाषाण काल के में जो अवशेष है, जैसे सराय नाहर राय है या दमदमा है या जो है महादहा जो है दमदमा जो है, ये सारी चीजें जो है ये तीनों के तीनों जो है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसके साक्ष्य पाए गए हैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इसके साथ साथ सराय नाहर राय में भी झोपड़ी का फर्श एवं अस्थायी निवास स्थान के अवशेष भी जो है यहाँ पर मिले हुए हैं, और यहाँ पर 1400 अधान एवं 8 गर्द चूल्हे भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। जब जाहिर सी बात है वहां पर जब साक्ष्य मिलेंगे तो वहां पर उत्खनन जब हुआ होगा तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें कोई ना कोई तो वहां पर रह रहा होगा। भाई जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर स्थान मिला झोपड़ी बना के कोई रह रहा है तो जब उसके इन फ्यूचर क्या होगा, अवशेष मिलेगा। इन अवशेषों के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है कि यहाँ पर 1400 धान और 8 गर्त चूल्हे भी जो है यहाँ पर प्राप्त हुए। भाई झोपड़ी में कोई रहेगा तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपसे कहा इस बात को भी। सौ का जो सिर होता था, जो सौ का सिर रखा जाता था, जैसे किसी व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, और हर धर्म का अपना अपना एक रिवाज है। भाई हिंदू धर्म का अपना जलाया जाता है, मुसलमानों को दफनाया जाता है, हर धर्म का अपना इलाज है, मतलब हर धर्म का अपना एक रिवाज है सॉरी। तो सौ का सिर कैसे रखा जाता था, पश्चिम, और पैर कैसे रखा जाता था, पूरब में रखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के कौन कौन से स्थल है, किस किस जिले में वो पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ जो झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं वहां पर, जैसे मैंने कहा कि 1400 धान है, ठीक है, यानी और 8 गर्त चूल्हे भी वहां से प्राप्त हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो सौ का सिर कैसे रखा जाता था, सौ का सिर रखा जाता था पश्चिम दिशा की ओर, और उसका पैर कैसे रखा जाता था, उसे पैर रखा जाता था पूरब दिशा में, पूरब डायरेक्शन में रखा जाता था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और इसको पॉइंट को मैंने एक एक करके ब्रेक किया है, चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो चाहे वो मेंस का पेपर हो, आप दोनों में इसका यूज कर सकते हैं। सराय नाहर राय में जो है आप देखेंगे तो युद्ध और बाहरी मानवीय आक्रमण के अस्पष्ट साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। अब चूंकि झोपड़ी बना के कोई रह रहा है या वहां पे रह रहा है, इसके साक्ष्य मिल रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर युद्ध के भी साक्ष्य मिले हैं। हो सकता है लोग एक दूसरे से लड़ते हो, ठीक है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी है, हमेशा वार होता था युद्ध के भी, तो ये भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। इसके साथ साथ मद्दाह से जो है कुछ युगल सामाधियां भी प्राप्त हुई है, युगल मतलब कपल वाली, ठीक है, ये भी सामाधियां प्राप्त हुई है, और स्त्री और पुरुष को एक साथ कब्र में दफनाया गया है। इस बात को भी हमेशा याद रखिएगा कि मद्दाह वो जगह है जहां पर युगल समाधि किसी की मिली है, जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ जो है कब्र में दफनाया गया है, ठीक है। प्रदेश के, अगर उत्तर प्रदेश के नौ पाषाणकालीन स्थल में देखा जाए तो नौ पाषाणकालीन स्थल में जो है प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था, वहां पर है बेलन घाटी के तट पर स्थित, कोलीडीहवा जो है वो है, और संत कबीर नगर जनपद के लहुरा देव का नाम प्रमुख स्थान आता है। संत कबीर नगर जिसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, वह खलीलाबाद है। उत्तर प्रदेश के बगल में एक जगह है जिसका नाम है संत कबीर नगर, ठीक है, जिसका नाम मगहर आपने सुना होगा, संत कबीर दास जी का मगहर, ठीक है। तो अगर हम नौ पाषाणकालीन की बात अगर हम करें तो नौ पाषाणकालीन स्थल में देखेंगे उत्तर प्रदेश में, जैसे मैंने कहा कि बेलन घाटी कहां पर है, इलाहाबाद में है, उसमें एक जगह है बेलन घाटी, प्रयागराज, कोलहीडामा डियावा कहा जाता है उसे, और संत कबीरनगर जनपद के लहुरा देव का नाम सबसे प्रमुख आता है। और इन पुरा स्थलों से क्या हुआ, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कच्ची ईंट तथा घास फूस से बने आवास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्योंकि ये नौ पाषाण के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो नौ पाषाण के बारे में जब हम बात करेंगे तो व्यक्ति थोड़ा मॉडर्न हो गया था, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नई चीजें हमको देखने को मिलेंगी, इनोवेशन हो रहा था। तो वहां पर क्या मिला, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, लोग कृषि करने लगे, कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलने लगे, और इसके साथ साथ घास फूस से बने आवास भी जो है प्राचीनतम साक्ष्य में हमको देखने को मिलते हैं। तो पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से थे, मध्य पाषाणकालीन उत्तर प्रदेश में स्थल कौन कौन से थे, और नौ पाषाणकालीन पूरा स्थल कौन कौन से थे, इन तीनों के बारे में जो है अगर आपसे पेपर में पूछे तो आप बताएंगे कि सर ये तीनों के तीनों जो है पूरा पाषाण काल में क्या हमने पढ़ा, नौ पाषाण काल में क्या पढ़ा, और मध्य पाषाण काल में हमें उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमने इन चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में
आद इतिहासिक काल की बात अगर हम करें, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में, आद इतिहासिक में बात करें, तो इस काल में मनुष्य ने सबसे पहले किसका यूज किया? धातुओं का प्रयोग करना आरंभ किया। जब व्यक्ति धातु का पहले जंगली था, कुछ करना ही नहीं था, पता चला कि भाई ऐसा करेंगे तो कुछ हमको कुछ कर सकते हैं, तो सबसे पहले इस काल में मनुष्य ने क्या किया? धातु का प्रयोग किया। और सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया और बाद में कांसा और फिर लोहे का उपयोग करना शुरू कर दिया। पहले तो ज्ञान नहीं था, और जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो व्यक्ति क्या करता है? कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जो व्यक्ति जो है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया? धातु का प्रयोग किया, और किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया। उसके बाद देखेंगे कांसा का, और फिर उसे लोहे का ज्ञान हो गया। और उसके बाद मनुष्य ने पाषाण उपकरणों के साथ ही तांबा का उपयोग किया। जो हमारे पाषाण उपकरण थे, यानी कि पत्थरों के जो उपकरण थे, उसके साथ किसका प्रयोग किया? क्योंकि सर्वप्रथम प्रयोग किसका हुआ था? तांबा का प्रयोग हुआ था, तो दोनों को मिक्सअप करना चालू किया। इसे हम क्या बोलते हैं? जब ताम्र और पाषाण दोनों मिल जाते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, यानी कि चैल्कोलिथिक कल्चर भी इसे कहा गया है। तो आप याद रखिएगा, शुरुआत में व्यक्ति तांबा से शुरुआत किया था, तांबा से करते करते जो पहुंचा कहां पर? तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया, उसके बाद कांसा, और कांसा के बाद फिर लोहे का ज्ञान हुआ। उसके बाद उसने क्या किया कि पाषाण उपकरणों के साथ साथ उसने तांबा को मिक्सअप किया, और इसीलिए दोनों कल्चर को मिला के उसे ताम्र पाषाण कालीन कल्चर कहा जाता है, जिसे हम चैल्कोलिथिक कल्चर भी इसे हम कहते हैं। इसका जो अगर हम समय की बात करें तो 3000 से लेकर 5000 ईसा पूर्व जो है निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही साथ इस संस्कृति का बड़ा भाग हड़प्पा संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज ताम्रपाषाण कालीन कल्चर क्या है, या चैल्कोलिथिक कल्चर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि सर जब व्यक्ति तांबा के साथ पाषाण को मिक्स करके बनाने लगा, इसी कल्चर को हम ताम्रपाषाण कालीन कल्चर या हम चैल्कोलिथिक कल्चर के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इस काल के महत्वपूर्ण पुरास्थल कौन कौन से हैं? मेरठ है और सहारनपुर में प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आप सभी को जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर ये पूछे कि सर इस काल के कौन महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं, तो इस काल के महत्वपूर्ण पुरास्थल जो है मेरठ में मिले हैं और सहारनपुर में मिले हुए हैं। ठीक है, इस बात को भी आप सभी को आद ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में भी इसको जानना चाहिए कि शुरुआत किससे हुई? तांबा से हुई। तांबा के बाद इन्होंने कांसा, कांसा के बाद लोहा, और तांबा और उन्होंने पाषाण को मिलाया, इसलिए उसको कहा गया पाषाण ताम्र पाषाण कालीन कल्चर, यानी कि चैल्कोलिथिक पीरियड कहा गया। और जैसे मैंने कहा कि ये जो है किसका भाग है? हड़प्पा संस्कृति का भाग है। और चूंकि महत्वपूर्ण स्थल की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण स्थल में आप बता सकते हैं कि मेरठ है और सहारनपुर है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सभी को जानना चाहिए। अगर हम ताम पाषाणकालीन संस्कृति की अवधि में तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि विकसित हुई थी। ठीक है, इसके बाद जिसने पहले ताम्र कासान युगीन संस्कृति और फिर कांस्य युगीन सभ्यता को जन्म दिया। जैसे मैंने शुरुआत में कहा ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, तो शुरुआत में क्या हुआ? तांबा को टिन, तांबा में टिन मिलाया गया और कांसा बनाने की विधि की शुरुआत हो गई, जो आपके पीटी के परीक्षा में पूछता है। इसके साथ ही साथ इसने ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति और फिर कांस्य युगीन सभ्यता को क्या किया? जन्म दिया। और हड़प्पा संस्कृति इसी युग का प्रतिनिधित्व करती है, और यह दक्षिणी एशिया की प्रथम क्या है? नगरीय संस्कृति भी थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जो परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछता भी है कि दक्षिणी भारत की नगरीय संस्कृति से क्या अर्थ है, तो हड़प्पा संस्कृति चूंकि इसी युग में जो है तांबा के बाद जो है मैंने कहा टिन मिलाया गया, तांबा से जो टिन मिलाया गया तो कांसा बनाया गया, और उसके बाद ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति का जन्म हुआ, फिर कांस्य युगीन सभ्यता को जन्म इसको मिला। और इसीलिए मैंने कहा कि संस्कृति का प्रतिनिधित्व ये करती है हड़प्पा संस्कृति का, और इसीलिए इसे दक्षिणी एशिया का प्रथम नगरीय संस्कृति भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हड़प्पा संस्कृति की अब तक 1400 से अधिक बस्तियों का पता लगाया जा चुका है, और इसका सबसे पूर्वी स्थल था उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित यमुना नदी की जो सहायक नदी है हिंडन नदी, और हिंडन नदी के तट पर बसा एक जगह जिसका नाम है आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये भी आप सभी को जानना है। उत्तर प्रदेश में ये पीटी की परीक्षा में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि बताइए आलमगीरपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है।
और ये चूंकि मैंने कहा कि हड़प्पा संस्कृति की अब तक जो खनन हुआ है उस खनन से जो है हमें 1400 से अधिक बस्तियों का पता चलता है, और इन 1400 से अधिक जो बस्तियां हमको मिली हैं उससे ये पता चलता है, जो मैंने कहा कि इसका सबसे पूर्वी स्थल कौन है, उत्तर प्रदेश का एक जनपद है जिसका नाम है मेरठ जनपद, और मेरठ जनपद में एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमको जानना है। इस पुरास्थल की खोज 1958 में यगदत्त शर्मा ने किया था, ये भी आपके प्रीलिम्स की परीक्षा में जो है क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आदितिहासिक काल किसे कहते हैं, ठीक है, ये सब हम लोगों ने इस पर डिस्कशन अच्छे से किया भी है, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। इसके साथ साथ और भी चीजें अगर हम बात करें, आलमगीरपुर में जो है उत्तर प्रदेश में मेरठ में मन के रोटी बेलने की चौकी तक कटोरी के अनेक टुकड़े उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि जो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है वहां पर जब उत्खनन हुआ था तो कौन कौन से सामान वहां से प्राप्त हुए थे, तो वहां पर क्या बने थे, मनके मिले थे, रोटी बेलने की चौकी मिली थी और कटोरी के अनेक टुकड़े मिले थे, ये पीटी में आपसे परीक्षा में पूछता है। मिट्टी के अगर बर्तनों की बात करें, जो मनकों पे बात करें, तो उसमें मोर की गिलहरी आदि के, चूंकि प्रकृति प्रेमी थे वो लोग, आज भी देखते होंगे बहुत सारे जैसे खिलौने होते हैं उसमें प्रकृति के उसमें चित्रण किया जाता है, हर जगह कहीं पे भी आप जाएंगे पुराने जमाने के बर्तनों को भी देखेंगे, तो मिट्टी के बर्तनों पर मोर गिलहरी आदि के चित्रों के अतिरिक्त कुछ लिपि भी प्राप्त होती है, और जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी जो है लेखन कला से परिचित थे। भाई अगर पुराने जमाने में क्या होता था, गिलास पे नाम लिखा जाता था ताकि व्यक्ति को याद रहे कि भविष्य में कि गिलास किसने दिया है, या लोग नाम लिखवाने के शौकीन होते थे, जो आजकल कप पे नाम लिखवाया जा रहा है ये प्रथा पहले से चली आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि इससे लेखन कला से चूंकि वो लोग परिचित थे इसीलिए कुछ लिपि भी प्राप्त हुई है जिससे पता चलता है कि वो क्या थे, वहां के निवासी लेखन कला से परिचित थे। आलमगीरपुर के अलावा उत्तर प्रदेश में हुलास, हुलास मतलब सहारनपुर, ठीक है, बड़ा गांव, बड़ा गांव मतलब जिसे बागपत कहते हैं, मानपुरा जिसे हम बुलंद शहर कहते हैं, इसके साथ साथ करण, जेम, सामली, मांडी गांव, मुजफ्फरनगर आदि स्थलों की पहचान हड़प्पा कालीन बस्तियों के रूप में की गई है। जैसे मैंने कहा ना कि 1400 से ज्यादा बस्तियों की पहचान की गई है, तो इसको याद रखिएगा, चूंकि वो प्रकृति प्रेमी थे, बर्तनों पे जो है मोर के गिलहरी के चित्र अंकित किए दिखाए गए हैं, लिपियों का भी दिखाया गया कि वो उन लोग लिपि से परिचित थे, जब लिपि से परिचित थे तो जाहिर सी बात है लेखन कला का ज्ञान होगा उनको, अब जब लेखन कला का ज्ञान होगा, इसलिए मैंने कहा कि जो मेन मेन जगह है आलमगीरपुर के अलावा कहाँ कहाँ पाए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है सहारनपुर, सब जानते हैं उत्तर में है सहारनपुर, और इसके साथ साथ जो है जो बड़गांव जिसे हम बागपत कहते हैं, मानपुरा जिसे हम बुलंद शहर कहते हैं, करण, सामली और मांडी गांव, मुजफ्फरनगर आदि स्थलों की पहचान हड़प्पा कालीन बस्तियों के रूप में किया गया है, चूंकि 1400 से ज्यादा बस्तियां यहां पर पाई गई हैं, और चूंकि एक एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है, जैसे मैंने कहा कि मोर के, पक्षी के, गिलहरी के चित्र अंकित हुए हैं, इससे हम कह सकते हैं ना कि वहां के लोग चूंकि प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति के चित्र को अंकित किया जाता था, किसी भी राजा के समय देखते हैं लिपि, लिपि से हमें बहुत सी चीज ज्ञान होता है कि भाई उस समय की राजा की सोच कैसी थी, लिपियों का ज्ञान था उनको, उस समय व्यक्ति लेखन कला भी जानता था, क्योंकि ये मैंने कहा भी यहाँ पर कि लिपि से परिचित भी थे, लिपि प्राप्त हुई है जिससे लग रहा है कि लेखन कला का अनुभव था उनको, तो ये चीजें भी आपके परीक्षा में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बात करें, तो लोहे का प्रयोग शुरू होने से इस काल में विकास को गति मिली, भाई जहां भी लोहा पहुंचेगा क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा ही, अच्छा होगा, कंपनियां लगेंगी, कुछ ना कुछ लोहा जब आया इस देश ने तो क्या क्या नहीं दिया हमने, ठीक है, तो लोहे का प्रयोग होने से क्या हुआ, डेवलपमेंट को गति मिली, वैदिक सभ्यता की शुरुआत इसी काल में हुई जिसे आर्य सभ्यता के नाम से हम जानते हैं, और वैदिक काल को दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, एक का नाम है ऋग वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल जिसे 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिस इसका है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व है। चूंकि ऐतिहासिक काल की बात यहाँ पर हो रही है यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड की बात हो रही है, तो व्यक्ति को लोहे का ज्ञान हो गया, लोहे का ज्ञान हो जाएगा तो लोगों को पता चला कि अच्छा इसको करने से ये होता है, लोहा जब आ जाएगा, लोहे का आविष्कार हो गया तो लोगों को पता चला अच्छा इससे तो बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं, तो वैदिक शुरुआत इसी काल में हुई जिसे हम आर्य सभ्यता के नाम से भी हम जान जाता है, और इसको दो भागों में बांटा गया है, एक का नाम है ऋग वैदिक और दूसरा का नाम है उत्तर वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक काल जिसे हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं और ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में है, और उत्तर वैदिक काल की बात अगर हम करें तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, तो इस बात को भी आप सभी को जानना चाहिए।
अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता का ज्ञान कहां से होता है, ऋग्वेद से होता है। ऋग्वेद चार वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋचाओं के अध्ययन को ऋग्वेद कहा जाता है और ऋग्वैदिक सभ्यता का ज्ञान हमें किससे होता है, हमें ऋग्वेद से होता है, ऋग्वेदास से होता है। इसके प्रवर्तक कौन थे, चूंकि आर्य संस्कृति थी, आर्य थे जिनका निवास क्या था, गंगा का ऊपरी घाटी क्षेत्र से अफगानिस्तान और वर्तमान पंजाब तक का एरिया इनका लगा था। चूंकि सात नदियों का क्षेत्र होने के कारण इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता भी है, सप्त सैंधव प्रदेश इसे, चूंकि सात नदियां लगी थी। और ये सात नदियां कौन थी, सिंधु नदी थी, सरस्वती नदी थी, सतलुज नदी थी, रावी थी, ब्यास, चेनाब और झेलम नदियां थी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक सभ्यता का ज्ञान हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है और इसके प्रवर्तक आर्य थे। और जैसे मैंने कहा कि इसका निवास क्या था, गंगा के ऊपरी घाटी क्षेत्र से अफगानिस्तान और पंजाब तक था। और जैसे मैंने कहा कि सात नदियों का संगम जिसे सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, इसमें झेलम था, चिलाब था, इसके साथ साथ सरस्वती नदी थी, सिंधु नदी थी, ब्यास, चेनाब और झेलम, रावी, सारी नदियां थी इसमें। आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की जानकारी मिलने के बाद अपना विस्तार क्या किया, पंजाब से आगे बढ़कर गंगा, जमुना, दुआब और हिमालय और विंध्याचल जैसे पर्वतीय प्रदेशों में कर लिया। यानी कि उनको ज्ञान हो गया तो अपने आप को एक जगह सीमित उन्होंने नहीं किया, अपने आप को उन्होंने एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। और जैसे मैंने कहा कि उत्तर वैदिक काल में इन्होंने आर्यों ने क्या किया, जब लोहे की जानकारी हुई उसके बाद पंजाब से आगे बढ़े और गंगा, यमुना, दुआब से आगे बढ़ते हुए, हिमालय से आगे बढ़ते हुए विंध्याचल जैसे पर्वतीय प्रदेशों में इन्होंने कर लिया। इसके बाद वैदिक सभ्यता में इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, मध्य देश कहा गया है, जो कि मैंने शुरुआत में कहा। और इसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश की कुरु, पांचाल और काशी जैसे राज्य इसमें शामिल थे। ठीक है, जो महाजनपद पढ़ेंगे तो उसमें भी 16 महाजनपद जितने हैं उसमें से 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और उनके बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें अच्छी लग रही होंगी। कुरु राज्य का विस्तार जो था वो मेरठ से दिल्ली तक व हरियाणा तक फैला हुआ था, कुरु महाजनपद, जिसकी पहचान हस्तिनापुर के रूप में किया जाता है। इसके साथ ही साथ पांचाल राज्य की जो बात हम कर रहे हैं, वर्तमान कानपुर से बनारस के मध्य गंगा के मैदान में फैला हुआ था और वर्तमान बदायूं, बरेली और फरुखाबाद जैसे जिले इसमें शामिल थे। और इसकी राजधानी क्या थी, कांपली, यानी कि फरुखाबाद का एक नगर था। ठीक है, फरुखाबाद की चूड़ियां काफी फेमस है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। इसके साथ ही साथ काशी वर्तमान वाराणसी क्षेत्र में स्थित, उत्तर वैदिक काल में अजात शत्रु जो था वो कहाँ का राजा था, वो काशी का राजा था। तो ये भी आप सभी को जानना चाहिए कि कुरु राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था। जब लोहे का ज्ञान हुआ तो वो आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, वो गंगा, यमुना, दुआब से आगे बढ़ते हुए, हिमालय से आगे बढ़ते हुए, वो जिसे मैंने कहा कि वो मैदानी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हर जगह वो आगे बढ़ते चले गए और अपने आप को एक जगह उन्होंने केंद्रित नहीं किया, अपने आप को एक जगह सीमित नहीं किया, वो अपने आप को हर जगह एक्सप्लोर करते चले गए। और जैसे मैंने कहा कुरु राज्य का विस्तार मेरठ से दिल्ली और वर्तमान हरियाणा तक था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है और ये पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं और मुझे उम्मीद है कि जितना भी आप सभी को शुरुआत से जो मैंने पढ़ाया है, जो भी शुरुआत से मैंने पढ़ाया है, चाहे आप देखेंगे तो चूंकि मैंने प्राचीन इतिहास में हमने डिस्कशन किया, इसके बाद हमने कहा कि देखिए प्राचीन तीन कालखंडों में से विभाजित किया जाता है, एक है प्रागैतिहासिक काल, एक है ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसके साथ साथ अगर हमने बात किया प्रागैतिहासिक काल में क्या था, फिर मैंने बात किया ऐतिहासिक काल में क्या था, ठीक है, और तीसरा हमने बात किया तो प्रागैतिहासिक काल में हमने बात किया प्रीहिस्टोरिक वाले में कहा कि सर इसमें तीन भागों में बांटा जाता है, पैलियोलिथिक एज कहा जाता है और मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज है और नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके बाद हमने बात किया पूरा पाषाण काल में कैसे क्या चीजें थी, मानव क्या था, मानव के बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके बाद हमने मध्य पाषाण काल के बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थान है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने सराय नहर के बारे में बात किया, मद्दाह के बारे में बात किया, इन चीजों के स्थल पे बेलन घाटी के बारे में हमने बात किया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आदि ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बात किया, ठीक है, मनुष्य को धातु का प्रयोग करना शुरुआत किया, ठीक है, ताम्रपाषाणी संस्कृति के बारे में बात किया और ताम्रपाषाणी संस्कृति में सबसे पहले किसका यूज किया उन्होंने, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके बाद आलमगीरपुर में क्या पाए गए, मिट्टी के मनके उनके ये सब बात किया गया और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर के अलावा कहां कहां पाए गए इसके भी हमने बात किया।
इसके बाद हमने ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड में बात किया कि सबसे पहले किसका प्रयोग किया, लोहे का ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहां से शुरुआत की और अपने आप को एक जगह सीमित नहीं किया, उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर करना चालू किया, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके बाद ऋग्वेदी सभ्यता के बारे में हमने बात किया, आर्यों के बारे में बात किया और जो जो राज्य हमारे सामने थे जैसे कुरु पांचाल जो राज्य थे शामिल थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके बाद हम कुरु राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था ये बात किया और जो कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मैंने कहा कि 60,000 मुनियों की सभा में महाभारत कथा का वाचन किया गया, इस पर बात किया। और काशी वर्तमान क्षेत्र से उत्तर वैदिक काल में अजातशत्रु जो कि काशी का राजा था उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। तो ओवरऑल अगर व्यू देखा जाए चूंकि मध्य क्षेत्र कहा जाता था उत्तर प्रदेश को, तो काफी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास और ये जानना हमें जरूरी है, चाहे प्राचीन हो, चाहे मेडाइवल में क्या भूमिका थी, चाहे मॉडर्न में क्या भूमिका थी, और ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है और धीरे धीरे करते हुए जो है हम अपने सिलेबस को जो है आगे ऐसे ही इम्प्रूव करते चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना होगा तो हम उस पर अवश्य करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।